वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला, क्लीन स्वीप पर टीम इंडिया की नजरें, एशिया कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और साथ ही सीरीज का आखिरी मुकाबला हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में 22 अगस्त सोमवार को खेला जाएगा। बात करें अगर इस दौरे की तो भारतीय टीम इस दौरे में अंत की ओर बढ़ रही है, साथ ही अब सीरीज की समाप्ति होने वाली है। तो ऐसे में अब टीम इंडिया चाहेगी कि जिस तरीके से तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में जीत हासिल की है, उसी तरीके से टीम इंडिया लगातार इसी जीत की सिलसिले को बरकरार रखें। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की, जहां लंबे समय के बाद वापसी कर रहे दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी की तो बल्लेबाजी में शुभमन गिल और शिखर धवन ने कमाल किया। दूसरे मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया के सामने 162 रन का लक्ष्य था, जहां टीम के लिए संजू सैमसन ने शानदार पारी खेली और टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की और टीम ने 2-0 से बढ़त बना ली, साथ ही सीरीज अपने नाम कर ली। ऐसे में अब टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी तो मेजबान टीम चाहेगी कि मेहमान टीम को एक मुकाबला कम से कम हरा करके सीरीज में कुछ लाज बचाई जा सके। बहरहाल बात करें अगर पिच की, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में यह मुकाबला खेला जाएगा। पिच की अगर आपको जानकारी दें तो टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में यहां दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा जिस टीम के शुरुआती ओवर्स में विकेट गिर जाते हैं उसके लगातार बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौटते चले जाते हैं, लेकिन जिसके बल्लेबाज यहां रुक करके समय बिताते हैं तो बल्लेबाज भी यहां बड़ी पारी खेलने में सक्षम हो पाते हैं। बहरहाल टॉस की बात करें तो दोनों टीमें और दोनों कप्तान चाहेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया जाए और रन चेस की ओर रुख किया जाए। इसके अलावा बात करें अगर संभावित प्लेइंग 11 की, जहां टीम किस प्लेइंग 11 से स्टार्ट कर सकती है, तो भारतीय टीम के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारतीय टीम की बात करें तो कप्तान केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी को यहां मौका मिल सकता है। इसके अलावा ईशान किशन, दीपक हुडा, संजू सैमसन, शहबाज अहमद को भी मौका मिल सकता है। शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, दीपक चहर और आवेश खान टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11 की तो कैतानो, इनोसेंट कैया, वेस्ली मदवेरे, रेजिज चकबवा, इसके अलावा सिकंदर रजा, सीन विलियम्स, रयान बर, ल्यूक जोंगवे, ब्रैड इवांस, विक्टर नाउची और तनाका चिवंगा शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 65 मुकाबले हो चुके हैं, जहां जिम्बाब्वे की टीम ने 10 तो भारतीय टीम ने 53 मुकाबले जीते हैं और दो मुकाबले टाई रहे हैं। तीसरा और अंतिम मुकाबला दोपहर 12:45 पर भारतीय समय अनुसार शुरू होगा। इसके अलावा उन खिलाड़ियों की बात करें जिन खिलाड़ियों पर सभी की नज़रें होंगी तो भारत के लिए केएल राहुल पर सभी की नज़रें होंगी, क्योंकि पहले मुकाबले में केएल राहुल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके अलावा टीम के लिए दीपक हुडा, संजू सैमसन पर नज़रें होंगी। गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को मौका मिलता है तो उन पर भी नज़रें होंगी। वहीं बात करें अगर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की, जिन पर सभी की नज़रें होंगी तो टीम के लिए इनोसेंट कैया, इसके अलावा कप्तान रेजिस और साथ ही सिकंदर रजा पर नज़रें होंगी। गेंदबाजी में विक्टर नाउची और चिवंगा क्या कुछ करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल यह मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा और टीम इंडिया इसके बाद एशिया कप खेलने के लिए यूएई रवाना हो जाएगी। क्या कुछ आपकी राय है इस मुकाबले को लेकर, आप कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।